मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश कर्सिव U to Z। लास्ट क्लास में मैंने आपको A to T सिखाया था, एक बार उसको फिर से रिपीट करेंगे। पहले इस तरीके से एक कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहीं से इसी पॉइंट से नीचे की तरफ एक कर्व लाइन खींच देंगे, उसके बाद यहीं सेकंड लाइन से इस तरीके से ऐसे बनाएंगे और फिर ऊपर की तरफ लेकर उसको छोड़ देंगे। ये आपका क्या बन गया, ए फॉर एप्पल। उसके बाद हम बी फॉर बॉल बनाएंगे, बी फॉर बॉल के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद इस तरीके से इसको राउंड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से राउंड लाते हुए यहाँ छोड़कर फिर यहाँ इस तरीके से इसको टर्न कर देंगे। ये आपका बन गया बी फॉर बॉल। उसके बाद सी फॉर कैट बनाएंगे, सी फॉर कैट के लिए इस तरीके से एक कर्व लाइन खींचेंगे, फिर यहीं से थोड़ा सा राउंड लेकर इस तरीके से थोड़ा राउंड लेते हुए यहाँ इसको छोड़ देंगे। ये आपका बन गया सी फॉर कैट। उसके बाद डी फॉर डॉग बनाएंगे, डी फॉर डॉग के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ टर्न करते हुए राउंड लेते हुए इस तरीके से यहाँ टर्न कर किया और उसके बाद यहाँ छोड़ देंगे। ये आपका बन गया डी फॉर डॉग। उसके बाद ई फॉर एलिफेंट बनाएंगे, ई फॉर एलिफेंट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड लाइन से कर्व लाइन खींचेंगे, फिर उस तरीके से यहाँ राउंड करेंगे, फिर यहाँ राउंड करते हुए यहाँ टर्न कर कर इसको छोड़ देंगे। ये आपका बन गया ए फॉर एलिफेंट। उसके बाद अप फॉर फिश बनाएंगे, अप फॉर फिश के लिए इस तरीके से ऐसे टेल बना देंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ टर्न करके छोड़ देंगे और बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये आपका बन गया अप फॉर फिश। उसके बाद जी फॉर ग्रेप्स बनाएंगे, जी फॉर ग्रेप्स के लिए एक कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से राउंड लेते हुए ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लेते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेट करते हुए यहाँ से टर्न करके इसको छोड़ देंगे। ये आपका बन गया जी फॉर ग्रेप्स। उसके बाद एच फॉर हैंड बनाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कर्व लाइन खींचेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इन थर्ड लाइन्स, फिर इस तरीके से यहाँ टर्न करेंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ थोड़ा सा राउंड लेते हुए इस तरीके से इसे छोड़ देंगे। ये आपका बन गया एच फॉर हैंड। उसके बाद आई फॉर आइसक्रीम बनाएंगे, आई फॉर आइसक्रीम के लिए बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ट्रायंगल की तरह इसको इस तरीके से स्ट्रेट लेते हुए यहाँ टर्न कर कर छोड़ देंगे। ये आपका बन गया आई फॉर आइसक्रीम। उसके बाद जे फॉर जग बनाएंगे, जे फॉर जग के लिए बीच में से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर ट्रायंगल की तरह ही लास्ट लाइन तक एक स्ट्रेट लाइन लाते हुए यहाँ करके ऐसे छोड़ देंगे। ये आपका बन गया जे फॉर जग। उसके बाद के फॉर काइट बनाएंगे, के फॉर काइट के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स में एक कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उसके बाद यहाँ टर्न करते हुए एक छोटी सी कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे करते हुए एक कर्व, फिर यहाँ से इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। ये आपका बन गया के फॉर काइट। उसके बाद अल फॉर लोयन बनाएंगे, अल फॉर लाइन के लिए एक कर्व लाइन खींचेंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से टर्न करते हुए ऐसे छोड़ देंगे। ये आपका बन गया अल फॉर लोयन। अब अम फॉर मंकी बनाएंगे, अम फॉर मंकी के लिए पहले थोड़ा सा राउंड करते हुए इस तरीके से कर्व लाइन खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ इस तरीके से कर्व लाइन खींचते हुए ऊपर की तरफ जाना है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन करते हुए यहाँ फिर से एक घुमाव दे देना। ये आपका बन गया अम फॉर मंकी। अब अन फॉर नेस्ट बनाएंगे, जिस प्रकार से हमने अम फॉर मंकी बनाए उसी प्रकार से अन फॉर नेस्ट बनाएंगे, इस तरीके से बना देंगे, उसके बाद नीचे की तरफ एक कर्व लाइन खींचेंगे और फिर इसी नीचे के पॉइंट से एक ऊपर की तरफ कर्व लाइन खींचते हुए राउंड कर देंगे। ये आपका बन गया अन फॉर नेस्ट। अब ओ फॉर ऑरेंज बनाएंगे, ओ फॉर ऑरेंज के लिए एक पहले सर्कल बनाएंगे और फिर यहीं से इस तरीके से राउंड करते हुए इसको
छोड़ देंगे, ये आपका बन गया ओ फोर ऑरेंज। अब पी फोर पैरेट बनाएंगे, पी फोर पैरेट के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर इसी पॉइंट से इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ राउंड करके इसको छोड़ देंगे, ये आपका बन गया पी फोर पैरेट। अब क्या फोर क्वीन के लिए पहले एक सर्कल बनाएंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से सर्कल बना के छोड़ देंगे, ये पूरा नहीं हाफ थोड़ा सा ही बनेगा। आगे बनाएंगे आर फोर रोज, आर फोर रोज के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ पी फोर पैरेट की तरह बना लेंगे, उसके बाद इसी पॉइंट से एक नीचे की तरफ कर्ल लाइन करते हुए टर्न करके छोड़ देंगे, ये आपका बन गया आर फोर रोज। उसके बाद एस फोर शिप बनाएंगे, एस फोर शिप के लिए एक स्ट्रेट कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहीं से राउंड करते हुए यहाँ इस तरीके से बनाकर और फिर वापस यहीं से ऐसे करके छोड़ देंगे, ये आपका बन गया एस फोर शिप। अब टी फोर टाइगर बनाएंगे, टी फोर टाइगर के लिए फर्स्ट लाइन के अंदर एक स्ट्रेट बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींच कर टर्न कर कर छोड़ देंगे, ये आपका बन गया टी फोर टाइगर। अब बनाएंगे यू फोर अम्ब्रेला, यू फोर अम्ब्रेला के लिए फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में एक कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन लाते हुए थोड़ा राउंड करके ऊपर की तरफ स्ट्रेट करते हुए नीचे की तरफ ला कर और थोड़ा सा टर्न कर देंगे, ये आपका बन गया यू फोर अम्ब्रेला। वी फोर वैन बनाएंगे, वी फोर वैन के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कर्व लाइन खींचेंगे, फिर एक स्ट्रेट कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक कर्व लाइन खींचते हुए इस तरीके से छोड़ देंगे, ये आपका बन गया वी फोर वैन। उसके बाद डब्ल्यू फोर वॉच बनाएंगे, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में एक छोटा सा कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए सेकेंड एंड थर्ड लाइन में कर्व लाइन खींचनी है, फिर उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना, इस तरीके से बना लिया। उसके बाद ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उसके बाद इस तरीके से करके छोड़ देंगे, ये आपका बन गया डब्ल्यू फोर वॉच। उसके बाद एक्स फोर एक्सरे बनाएंगे, एक्स फोर एक्सरे के लिए इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद उल्टा सी बनाएंगे, बना लिया। उसके बाद यहीं से वापस ऊपर की तरफ जाना है और सी फोर कैट बनाना, ये आपका बन गया एक्स फोर एक्सरे। अब वाई फोर याक बनाएंगे, वाई फोर याक के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कर्व लाइन खींचेंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए थोड़ा राउंड करके एक नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन खींच कर थोड़ा टर्न करके यहाँ छोड़ देना, ये आपका बन गया वाई फोर याक। उसके बाद जेड फोर जेब्रा बनाएंगे, जेड फोर जेब्रा के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कर्व लाइन खींचेंगे और यहाँ राउंड करते हुए इस तरीके से खींचनी है लाइन, उसके बाद यहाँ से थोड़ा राउंड करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये आपका बन गया जेड फोर जेब्रा। दोबारा से यू फोर यू टू जेड देख लेते हैं, इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन करते हुए थोड़ा राउंड करके ऊपर की तरफ जाके ऊपर से नीचे की तरफ जाके यहाँ टर्न कर देना है, ये आपका क्या बन गया यू फोर अम्ब्रेला। वी फोर वैन के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कर्व लाइन खींचेंगे, इस तरीके से बना लें, उसके बाद एक उसके बाद एक कर्व लाइन खींचेंगे, इस तरीके से बना लिया। उसके बाद ऊपर की तरफ कर्व लाइन खींचेंगे और यहाँ थोड़ा सा टर्न करके छोड़ देंगे, उसके बाद W4 वॉच बनाएंगे, इस तरीके से एक कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड लाइन में एक कर्व लाइन खींचते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जाना है और फिर ऊपर जाना है स्ट्रेट लाइन सॉरी कर्व लाइन के अंदर, और ये आपका बन गया W4 वॉच। उसके बाद X4 एक्सरे बनाएंगे, X4 एक्सरे के लिए इस तरीके से कर्व लाइन खींचेंगे, उल्टा सी बनाएंगे, बना लिया।
उसके बाद यहीं से वापस जाएंगे और सी फॉर कैट बनाएंगे। ये आपका बन गया एक्स फॉर एक्सरे। उसके बाद वाई फॉर याक बनाएंगे, एक कर्व लाइन खींचेंगे, इसके बाद स्ट्रेट लाइन करते हुए यहाँ राउंड करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नीचे की तरफ टर्न करते हुए ऐसे करके छोड़ देंगे। ये आपका बन गया वाई फॉर याक। अब जेड फॉर जेब्रा बनाएंगे, जेड फॉर जेब्रा के लिए कर्व लाइन खींचेंगे इस तरीके से, फिर थोड़ा सा टर्न करते हुए इस तरीके से बनाएंगे और फिर घुमाव करते हुए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन सॉरी कर्व लाइन खींचते हुए ऊपर की तरफ जाकर छोड़ देंगे। आपका बन गया जेड फॉर जेब्रा। और आज का आपका एच डब्ल्यू है 21 to 30 काउंटिंग।